आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर सिक्स, दैट इज़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अबाउट द सेफ्टी रूल्स, क्या क्या होते हैं, हमें डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने पढ़ा है फर्स्ट एड बॉक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आज हम डिफरेंट सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि जब चोट लगती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चोट लगने के कारण आपके जो शरीर पर असर होता है, तो उस समय आप पर कैसे जो आपको फर्स्ट एड किस तरह से देनी चाहिए, क्योंकि हर एक चोट का अपना इलाज होता है, ठीक है। तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आज हम इसी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स, तो बच्चों हम ऑलरेडी दो एग्जांपल पढ़ चुके हैं, इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक एंड इन केस ऑफ स्प्रेन। आज हम थर्ड एग्जांपल पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स। जब भी कभी हमें कोई भी एनिमल काट ले, बाइट्स मतलब काट लेना, तो तब क्या करना चाहिए। द बाइट्स ऑफ कैट्स, डॉग्स, बैट्स, मंकीज एक्सेट्रा कोज अ डिजीज कॉल्ड रेबीज। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है। तो जितने भी एनिमल हैं, जब वो हमें काटते हैं, तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेबीज़। तो इन सच कंडीशन, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, वॉश द वाउंड विद लोड ऑफ सोप एंड वाटर। वाउंड होता है घाव, तो आपको क्या करना है, उस घाव को काटने के बाद उस घाव को बिल्कुल अच्छे से पानी से और साबुन से धोना है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आपको उस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। डू नॉट कवर द वाउंड, आपको फटाफट से उस पर पट्टी नहीं करनी है, उसको थोड़ा ओपन लगना है, ओपन रखना है ताकि उस पर हवा लगती रहे। आस्क डॉक्टर फॉर एन एंटी रेबीज इंजेक्शन एज सून एज यू गेट मेडिकल हेल्प। तो बच्चों जब भी कोई एनिमल बाइट करता है, तो बेसिकली हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे जिन्हें हम एंटी रेबीज इंजेक्शन कहते हैं, और बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए लगवाने भी। अगर आप नहीं लगवाते तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट एड में तो हम बस नॉर्मल घाव को साफ करते हैं और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, लेकिन यह इंजेक्शन आपको डॉक्टर के पास जाकर ही लगवाने पड़ते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होते हैं। और अगला एग्जांपल है इन केस ऑफ नोज़ ब्लीड। तो देखो बच्चों, नोज़ ब्लीड तो सब मोस्टली आपने देखी होगी, बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है नाक पर, तो एकदम अचानक से खून बहना शुरू कर हो जाता है, या फिर बहुत गर्मी होती है तो अपने आप से नाक से खून आना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करना सबसे बेहतर है, When the walls of blood vessels inside the nose break, अब blood vessels क्या होती हैं, blood हमारे शरीर में ऐसे खुला तो घूमता नहीं, pipe के नुमा structure होती है जिन्हें हम vessel कहते हैं। ये pipe नुमा structure को हम क्या कहते हैं, vessel। इनके अंदर क्या होता है, blood flow करता है, ठीक है। अब ये जो vessel है, इनकी जो ये wall है, क्या होता है कई बार ये break, मतलब यहाँ पर आपको टूट जाती हैं। बेसिकली ये नोज़ की वेसल्स की बात की जा रही है, नोज़ के अंदर जो ब्लड वेसल है, और नोज़ में से क्या स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग, खून बहना शुरू हो जाता है। दिस में अक्कर ड्यू टू एन इंजरी और एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो चोट लगने के कारण, या फिर वेदर में कोई चेंज आता है, या तो खून या तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड में बहेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी में बहेगा। तो बेसिकली यह दो सिचुएशन में आपको देखने को मिलता है, इंजरी या फिर एक्सट्रीम वेदर के समय। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, मेक द पर्सन सीट विद पिंचिंग द नोज़ विद थंब एंड फिंगर्स। तो बच्चों जैसे ये बच्चा बैठा हुआ और उसने अपनी नोज़ को दबाया हुआ है, पिंचिंग मतलब बिल्कुल पकड़ लेना है, जकड़ लेना है, दबा देना है दोनों हाथों से, मतलब एक थंब और एक फिंगर से नाक को बंद कर देना है, ठीक है। आस्क टू ब्रेथ थ्रू माउथ, और उसको बोल देना है कि तुम मुँह से सांस लो। कीप दिस पोजिशन फॉर सेवरल मिनट्स, और आपको काफ़ी टाइम तक यह है पोजीशन को बनाए रखना है। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, यह है लड़का कैसे ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, अब दोनों हाथों से अपनी जो एक हाथ से अपनी नाक को दबाए हुए है और मुंह ओपन किए हुए है ताकि उसको सांस नॉर्मल जाता रहे। कैन ऑल्सो प्लेस एन आइस पैक ऑन द नोज टू रिड्यूस ब्लीडिंग। तो बच्चों जब भी चोट लगती है, तो बेसिकली हम आइस पैक लेते हैं, आइस मतलब बर्फ़। बर्फ़ को हम एक कपड़े में लपेट लो, या फिर आइस पैक के लिए स्पेशल आप देखते हैं कि एक गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसमें हम आइस डालते हैं और उससे सेकते हैं, ठीक है। डू नॉट ब्लो नोज फॉर अ फ्यू आवर्स, आप नाक को कुछ समय के लिए मतलब नाक से सांस ना लें और वहाँ से कोई भी एक्टिविटी ना करें, ठीक है। तो यह आपके कुछ प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग नोज ब्लीडिंग। अब हम करते हैं सेफ्टी फ्रॉम फायर, जो कि मोस्टली आप देखते हो कि फायर ऐसी चीज़ है जो घरों में आप आग
कभी ना कभी आपको ऐसा हुआ होगा इंसिडेंट कि आग से आपका हाथ वगैरह जल गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर। सबसे पहले तो आपको आग से दूरी रहना चाहिए और बहुत सावधानी से काम करना चाहिए किचन वगैरह में। नेवर वियर सिंथेटिक क्लोथ्स नियर फायर। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप किचन में गैस के नज़दीक हो तो आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो जो कि आग को पकड़ते हैं, जैसे सिंथेटिक क्लोथ्स। इफ़ अ पर्सन, सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, मैन मेड, तो ऐसे क्लोथ्स क्या होते हैं आग को जल्दी कैच करते हैं। इफ़ अ पर्सन कैच फायर मेड हिम रोल ऑन द फ्लोर एंड कवर द बॉडी विथ थिक ब्लैंकेट। आपने देखा है जब भी किसी को आग लगती है तो फटाफट से एक पर्सन आता है और उसके ऊपर क्या लपेट देता है, कंबल। ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको बताती हूँ कि आग को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, हवा, ठीक है। जब उसका हवा, आग का संपर्क हवा के साथ होता है तो क्या होता है, तो वो फैलती जाती है। जब आप ब्लैंकेट डालते हैं तो बेसिकली उसका हवा से संपर्क टूट जाता है और संपर्क टूटने से क्या हो जाता है, आग बंद हो जाती है। तो याद रखना जब भी आप चूल्हा जलाते हैं तो बेसिकली आप क्या देते हैं, हवा देते हैं, तभी आग अच्छे से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम कंबल से ढकते हैं ताकि उसका एयर से कनेक्शन टूट जाए। यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स और सेंट टू पुट आउट फायर। एक्सटिंग्विशर्स उनको बोला जाता है, फायर बुझाने वाले यंत्रों को हम एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, और या फिर हम रेत डालते हैं। कभी भी जले हुए पर्सन पर पानी ना डालें, क्योंकि पानी डालने से जो बर्निंग एरिया है वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम आ जाती है, जलन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपने और आग को बुझाने के लिए क्या करना है, या तो ब्लैंकेट में लपेटना है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करना है, या फिर सेंट को डाल देना है रेत को, ठीक है, रेत से भी आग बुझ जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू हर्ट पर्सन बिफोर अ मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। तो बच्चों ये आपके की पॉइंट है और आपने नोटबुक में भी लिखने हैं फर्स्ट एड क्या होता है। ऑलवेज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन वर्किंग आउटडोर्स टू अवॉइड हीट स्ट्रोक। गर्मी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए जब भी आप बाहर काम के लिए जाते हैं। टू रिलीव द पेन इन केस ऑफ स्प्रेन अप्लाई कोल्ड पैक्स एंड पेन रिलीविंग जेल। तो बच्चों आपको मालिश करनी चाहिए या फिर जेल के साथ, या फिर आपको बर्फ़ लगानी चाहिए जब भी आपके मोच वगैरह आ गई हो। तो यह है कुछ जनरल से उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज आ चुकी है, एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही।